इस न्यूज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल, जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। जिला चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा अस्पताल में कैंटीन संचालन को लेकर अभी एक दिन पहले ही लगी निविदा से संबंधित निविदाकारों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुछ निविदाकारों के द्वारा आपत्ति ली गई थी, जिस पर आपत्ति पर सिविल सर्जन के द्वारा मीडिया को बताया गया कि 200 बेड को लेकर निविदाकारों के द्वारा जो आपत्ति ली गई थी, उस पर उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर उस नियम को शिथिल करवा दिया है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में कैंटीन संचालन को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और कुछ निविदाकारों अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगा रहे थे कि 2023 से अभी तक जिला चिकित्सालय में संचालित होने वाली कैंटीन का टेंडर नहीं करवाया गया और एक ही व्यक्ति विशेष को यह टेंडर करवा दिया जाता था, जबकि जिला चिकित्सालय में हर वर्ष कैंटीन संचालन का टेंडर किया जाना चाहिए और निविदा बुलाए जाने चाहिए, जिस पर इस बार जिला चिकित्सालय प्रबंधन ने निविदा बुलवाई और टेंडर बुलवाया। किंतु अभी टेंडर खुला ही नहीं था कि कुछ निविदाकारों के द्वारा निविदा को लेकर आपत्ति ली गई। इसमें जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन के द्वारा एक बैठक बुलाकर सभी आपत्ति ली गई, जिसमें सभी निविदाकारों को द्वारा एक प्रमुख आपत्ति लगाई गई थी कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में जो कैंटीन के संचालन के लिए 200 बेड के अस्पताल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है वह सही नहीं है, क्योंकि बालाघाट जिले में कहीं भी 200 बेड का अस्पताल नहीं है, तो कैसे निविदा का 200 बेड के अस्पताल में कैंटीन का अनुभव प्रमाण पत्र लेकर वे आएंगे। इस पर सिविल सर्जन नीलजन के द्वारा 5 अक्टूबर को अपना पक्ष रखते हुए यह क्लियर कर दिया गया कि जो 200 बेड के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो नियम रखा गया था, उस नियम को उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ चर्चा कर शिथिल कर दिया है। और जो आरोप लग रहे थे कि 2023-13 से कैंटीन का टेंडर एक ही व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है, इस विषय में उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ सिविल सर्जन बने हैं और उनके नॉलेज में जैसे ही यह जानकारी आई कि कैंटीन का टेंडर नहीं किया गया है, तो उन्होंने तुरंत ही कैंटीन की निविदा बुलाकर टेंडर करवा रहे हैं और यह टेंडर सभी नियमों का पालन करवा कर ही, जो नियम के अनुसार निविदा दी जानी है उसी को टेंडर दिया जाएगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कुछ लोगों पर उनके चैम्बर में आकर बात कर विवाद करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। कुछ लोग अनावश्यक ही उनके कक्ष में आकर उनकी अनुपस्थिति में वाद विवाद कर रहे थे, जो काफ़ी गलत है। सर, जैसे कि जिला चिकित्सालय की कैंटीन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि और कहा जा रहा है कि 2013 से इसका निविदा नहीं हुई है और अभी टेंडर हो रहा है और जो 200 बेड की बात कही जा रही है कि 200 बेड का अनुभव वाले को दिया जाएगा, क्योंकि बालाघाट में 200 बेड का अस्पताल नहीं है, क्या है सर पूरा मामला और क्यों? पहली बात तो जिस बार बार जो बात बोली जा रही है कि बहुत पुराने समय से कैंटीन चली आ रही है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी आज से 5 महीने पहले ही सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ हूं, तो इसके पहले क्या चला क्या नहीं चला, किसको मिला किसको नहीं मिला, इसके बारे में मेरे को बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे को मात्र 5 महीने हुए जो काम 2012-13 में नहीं हुआ, मैं अपने आने के बाद इसकी जो निविदा करवा रहा हूँ टेंडर के थ्रू, तो वो मैं अभी 5 महीने हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम 15-16 साल में नहीं हो पाया वो अभी प्रॉपर वे में विधिवत हो जाए। रहा सवाल टेंडर का कल मेरे एब्सेंस में जैसा है, तो इसमें सिविल सर्जन का कहीं भी रहना जरूरी नहीं होता, ये प्रीवियस मीटिंग में आप अपने अपने ऑब्जेक्शन लाइए, बोलने की जगह आप अपना अपना लिख के चले जाइए, इसलिए बुलाई जाती है प्रीवियस मीटिंग, यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई चीज़ का ऑब्जेक्शन है तो आप अपना चुपचाप उसमें पेपर पर लिख के दे दीजिए, इसलिए आमंत्रित की जाती है। इसमें सिविल सर्जन का होना, सिविल सर्जन का सामने बैठना होता नहीं, क्योंकि मैं सिविल सर्जन हूँ, मेरे पास भी बहुत से काम होते हैं, बहुत सी दूसरी जगहों का मुझे काम इंस्पेक्शन करना था, कल सरकारी इंस्पेक्शन थे इंस्टीट्यूट के पैरामेडिकल के, तो उसमें मैं चला गया, तो मेरा रहना ज़्यादा आवश्यक नहीं था। तीसरी बात, कैंटीन के हम लोगों को जो लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को आप फ़ायदा देना चाहते हैं, देखिए हम, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, मैं भी इसी ज़िले का रहने वाला हूँ, हमारा इस नौकरी में कोई चाहता नहीं होता, हमारा कोई चाहता नहीं होता, ये सारी चीज़ें रूल्स के हिसाब से चलती हैं, कैंटीन किसको मिलना किसको नहीं मिलना, जो भी व्यक्ति उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, जो भी व्यक्ति हमारी जो जितनी भी निविदाएं की शर्तें उनको फॉलो करेगा उसको कैंटीन मिलेगी, चाहे वो बालाघाट का भी हो सकता है और ये पूरे मध्य प्रदेश का भी हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सफाई का टेका नेशनल सिक्योरिटी प्रथम एजेंसी को मिला, जो कि इंदौर की है, तो उसमें आप उसमें अभी आप कोई ये नहीं बोल सकता कि इंदौर की बालाघाट वालों को क्यों नहीं दिया गया, इंदौर वाले ने शर्तें पूरी की थी तो उसको मिल गया। ऐसी यदि इसमें कोई भी आदमी हमारी शर्तों को पूरा करता है तो उसे उसका वो पात्र होगा। ये चीज़ें पहले जब पूरी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, उसके बाद जब टेंडर सारी बीड ओपन होगी, फाइनेंशियल बीड और वो सब बीड होगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इस टेंडर को कौन लेगा। दूसरी बात, आप जो 200 बेड का बोल रहे हैं,
क्योंकि वो 200 बेड की बात आप मतलब इस मामले में एक कंसिडरेशन किया जा सकता है। हमारे माननीय कलेक्टर साहब से भी मेरी कल चर्चा हुई थी, तो 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए उसमें एक ये रहता है कि अगर आपका 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि मलाट में, तो अपन उसमें संशोधित करते हुए इसमें उन इंस्टीट्यूट्स को भी ले सकते हैं जो कि मतलब जिनके बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और जहाँ पर कैंटीन का काम करने का तजुर्बा है, जहाँ बड़ी बड़ी कैंटीन चलती है, यदि किसी के पास ऐसा अनुभव है तो उस अनुभव के दम पे भी अपन इसको कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि मतलब मैंने सबसे चर्चाएं कर ली हैं, तो इस 200 बेड की जगह हम उसको एक संशोधित, हमारे सारे जितने भी टेक्निकल मेंबर्स हैं हमारे अस्पताल में, जो ये टेंडर की प्रक्रिया के लिए हमने एक विधिवत एक कमेटी बनाई है, कमेटी के सारे लोगों से मेरी चर्चाएँ हो चुकी हैं और चर्चा लेने के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि इसको हम संशोधित उसमें कर देंगे, तो मुझे लगता है इसके बाद किसी को भी कोई परेशानी होगी। रहा सवाल सिविल चैम्बर सर्जन के चैम्बर में आके हल्ला करने का, तो देखिए ये सिविल सर्जन का चैम्बर जो है ये राजनीतिक अखाड़ा भी नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारी का कक्ष है। यहाँ पे मैं आगे भी सबसे मतलब उम्मीद करता हूँ कि जो केवल वांछित तत्व हैं वही अंदर आएँ, और यदि अंदर आने के बाद वही जो रिलेवेंट है आपका, यदि फिर भी टेंडर खोलना है तो उससे रिलेटेड आदमी आए, जो उससे रिलेवेंट नहीं है, जो उससे संबंध ही नहीं रखते, यहाँ आके मतलब इस प्रकार से शोर मचाना, शोरगुल्ला करना या कोई नेगेटिव बातें बोलना, ये भी न्याय संगत नहीं था, और ना ऐसा मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसा कभी हो भी ना, क्योंकि जो जरूरत है आए बात करे और चला जाए, जिसकी जरूरत नहीं वो आके अल्लाह करके बात करके क्या करे।